Hello dear students. Once again I welcome you all to the Global Academy. And this is your Sunday fun day where we will be studying value education. And in today's class, we are going to start with a new chapter that is chapter number 6, Dear and the King. So let's get started. So

किसी के भी सामने आओ किसी के भी कांटेक्ट में आओ आप जितना भी हो सके हम्बल बनो काइंड बनो उनके साथ कोई लड़ाई करने से बेटर है और बहुत आसान है कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करो सी वट आर द थिंग्स विच आर नोन टू यू और जिस या फिर जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा दैट डू यू नो हंटिंग इज बैंड हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना कई लोगों का शौक़ होता है ना दे गो फॉर हंटिंग वट इज़ बैंड बैंड मीन्स कि इफ़ यू आर हंटिंग तो गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बना के रखे हुए हैं कि यू विल बी पनिश्ड एट टाइम्स इट मे हैपन कि अगर आपका जो क्राइम है वो बहुत सीवियर है तो आपको जेल भी हो सकती है लोगों की आदत होती है अपने शौक़ के लिए टाइगर का शिकार करते हैं देन एलिफेंट के जो टस्क होते हैं उन उसको पाने के लिए एलिफेंट्स को मार देते हैं फिर डियर का डियर के जो हॉर्न्स होते हैं तो उसकी वजह से डियर का शिकार करते हैं तो इन सब चीज़ों को हंटिंग बोलते हैं एंड एक्चुअली दे आर ऑल बैंड सो इज़ इट राइट टू बैन हंटिंग क्या ये सही है हाँ बिल्कुल सही है वरना तो लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए कितने एनिमल्स को मार देते

आप अगर दूसरों के साथ अगर काइंड काइंडनेस uh, आपका बिहेवियर जो होगा वो हम्बल होगा पोलाइट होगा आपके बिहेवियर में काइंडनेस होगी तो पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट नेचर कैसा है काइंडनेस टू द वीक एंड स्ट्रांग पीपल आई लाइक हाईलाइट द स्ट्रेंथ ऑफ वंस कैरेक्टर एंड इफ यू आर काइंड टूवर्ड्स अ वीक पर्सन देन यू आर एक्चुअली द स्ट्रांगेस्ट पर्सन Because it shows how, uh, how much you are having strength within your heart, within your body. A kind person always tries to ensure that no one is treated unfairly or cruelly. Yeah, na? Kindness always draws kindness from other and if you are kind, so other person will automatically, Change his or her behavior and he or she will act in a kindful manner. A kind person is respected by everyone and is held in high esteem. So let's read the story. There was a very dense forest in India. This story is about India and its forest. Nearly 500 deer lived in the forest how many for, uh, deers were there they were somewhere around 500 the king of the deer was Angi. and there was a leader of the deers and the name of the leader the name of the king who was the king of the deer is its name was Angi. the king deer had golden skin and this king deer it was very special because it was having a golden skin and it was very beautiful as well. now at that time a king ruled over Kashi. so ये जो forest था वो कोई area था कोई एक शहर था Kashi. उसके आसपास का ये forest था जिसमें कंचनंगी जो था वो 500 deer का leader हुआ करता था तो वहां पर एक किंग ह्यूमन किंग था जिस, जो कि काशी काशी जो एरिया है जहां पर ये फॉरेस्ट था वहां का राजा था एंड व्हाट वाज़ द नेम ऑफ द वाज ब्रह्मदत्त। द किंग वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग नाउ पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को शिकार करने का बड़ा शौक था एंड ब्रह्मदत्त वाज़ वन ऑफ देम वेंट फॉर हंटिंग एवरी डे एन हंटेड डाउन सेवरल एनिमल्स बहुत सारे एनिमल्स को उसने ऑलरेडी मार दिया था फॉर हंटिंग ही यूज टू टेक विथ हेम अ फ्यू अदर पर्सन ऑल्सो और वो ये जो किंग ब्रह्मदत्त अपनी बहादुरी दिखाने के लिए वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके जाता था ऐसा करके वो दूसरों को प्रोत्साहित करता था हंटिंग के लिए बट हुर ट्राइड टू रिफ्यूज फॉर गोइंग ऑन हंटिंग वीवियरली पानिश्ड बाय द किंग अभी किंग के साथ जाने वाले सभी लोग किंग की तरह दुष्ट नहीं थे किसी किसी को हंटिंग पसंद नहीं थी अच्छे दिल के थे बट अगर वो मना करते हंटिंग पे जाने के लिए तो देवेर पानिश्ड बाय द किंग वॉट वॉज द नेम ऑफ द किंग ब्रह्म दत्त हिज सब्जेक्ट वर वेरी अनहेप्पी ऑन दैट अकाउंट वो जो राजा की जो प्रजा थी वो भी राजा के हंटिंग के शौक को लेकर बड़ी दुखी थी और मतलब दे वेर नॉट हैप्पी दे दे नॉट एक्चुअली डिसलाइकिंग दिस क्वालिटी ऑफ देयर किंग द दिटिजन थॉट इफ वी समहाउ टेक अवे ऑल द डियर्स समवेयर एल्स एंड कीप देम इम प्रेजेंट फॉर सम टाइम इन सम गार्डन

किसी ऐसे गार्डन में जहां पर उनको खाने का भी मिल जाए एंड दिस दिस वे दे वुड बी फ्रॉम द ट्रबल ऑफ द किंग एवरी डे तो लोगों ने ये सोचा कि अगर हम डायरेक्टली राजा को मना करेंगे कि हम हंटिंग पे नहीं आएंगे तो राजा हमको पनिश करेंगे तो हम एक काम करते हैं कि एक तीर से दो निशान कर लेते हैं हम ये जितने भी डियर्स हैं उनको ही हम किसी और जगह पर शिफ्ट कर देंगे एंड जब डियर्स ही नहीं रहेंगे तो हमको राजा को अकम्पनी नहीं करनी पड़ेगी उनके साथ हंटिंग के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा ऑन हिज हंटिंग एक्सपेडिशन एक्सपेडिशंस मतलब कि ऐसे कोई टारगेट uh, के लिए आप कहीं पर भी एक साथ निकलते हो उसको एक्सपीडिशन बोलते हैं सो दे चॉकडाउट प्लान दीज विलेज पीपल दे Uh, tried to execute their plans they went to the jungle with sticks in their hands what did they do they all went to the jungle so that they can remove the deers from there they chased away the deers with their cries and beating of drum and in order to मेक डियर मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस तो ये लोगों ने क्या किया कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगे जोर जोर से ड्रम बीट करने लगे एंड बिकॉज ऑफ दैट द डियर्स वेर फ्राइटन एंड रैन अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट और वही तो लोग चाहते थे द पीपल सक्सीडेड इन ड्राइविंग दैम इन एन एनक्लोज पार्क एंड इम्प्रिजम दैम देयर तो फाइनली लोगों ने ये जो जितने भी डियर्स ने उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर ही दिया बट समीपल वेंट टू द किंग एन इन्फॉर्मड हिम वी हैव्रजेंड ऑल द डियर्स इन अ पार्क अब कोई एक जो जासूस जो गद्दार था उसने जाके किंग को बता दिया कि सरकार हमने आपके लिए जितने भी डियर थे उनको एक पार्क में कैद करके रखा हुआ है नव यू विल नॉट है जंगल फॉर हंटिंग The king was happy to hear all this, and next day the king went to deer park and saw the deer grazing grass in the park. The king saw Kanchanangi also in the park. Ab Kanchanangi to deer ka king tha, to wo unke gaya wo five hundred deers Then king Brahmadat he called Kanchanangi and said, Kanchan, you are really very beautiful. I shall never kill you. But I want one deer every day for my food, so arrange to send one deer to my palace every day without asking. So saying, the king returned to the palace. अभी ऐसा uh, condition रखी king ब्रह्मदत्ने कंचनगी के सामने कि देखो मैं तो आपको नहीं मारूंगा but What you have to do is every day you have to send one deer to my palace so that I can eat it. So from the next day one deer was sent to king's palace every day. Once it was turn of a doe, doe matlab ke hirni. She had a young baby only a fortnight old. Fortnight matlab ke pandra din, do hafti ki hi unki, ye jo doe thi uski bachiti She went to her king Kanchanangi and said, Sir, टूडे इज माई टर्न टू गो टू दैलेस आई हैव अंग बेबी ऑफ अ फोर्थ नाइट इफ आई डाई देर इज नो बड़ी टू लुक आउट द बेबी एंड शी विल ऑल्सो डाई ये जो हिरनी जो थी वो अपने राजा कंचनंगी के पास गई और हिरनी ने कहा कि सर आज महल में जाने की मेरी बारी है और मेरी एक बच्ची है जो कि सिर्फ पंद्रह दिन की है अगर मैं मर जाऊंगी तो बिना माँ की मेरी बच्ची भी मर जाएगी कंचन वेरी वेरी लिसन टू हर रिक्वेस्ट एंड सेड गो एंड लुक आफ्टर योर बेबी आई शेल मेक सम अदर अरेंजमेंट। कंचन को उस हिरनी पे दया आ गई और उसने कहा कि आप तुम जाओ मैं कुछ और इंतजाम कर लेता हूँ कंचनंगी थॉट आई डियर एवरी डे टू द किंग आई एम नॉट डूंग एनीथिंग फॉर माई सब्जेक्ट अभी कंचन अंगी जो कि किंग था डियर का उसे लगा कि मैंने तो अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं किया मैं तो रोज एक एक डियर को मरने के लिए छोड़ आता था माई बॉडी इज नाव गेटिंग ओल्ड लेट इट बी यूज फॉर सम पर सर्विस ऑफ अदर तो अब मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी बॉडी को दूसरों की मदद के लिए भेजूँ, यूज करूं So he decided to go himself that day to the king's palace. Thus, he planned to save life of the doe and her young baby. When Kanchanangi reached to the main gate of the palace, the guard was surprised. He asked Kanchanangi to wait. He himself went to the king and informed him about the arrival of a very beautiful deer with a golden skin. The king did not believe the guard. ही हिमसेल्फ केम टू द गेट टू सी ब्यूटिफुलर वेन द किंग्स वाई है डियर तो अभी राजा को लगा की कंचन अंगी खुद यहाँ क्यों आया तो राजा ने कंचनंगी को बोला कि देखो मैंने बोला था कि मैं तुमको नहीं मारूंगा तो जाओ और मेरे लिए कोई और डियर लेकर आओ देन कंचनंगी एक्सप्लेन सर टुडे इट वाज द टर्न ऑफ अ डो इफ शी इज स्किल्ड हर यंग बेबी ऑफ अ फोर्थ नाइट विल आल्सो डाई बिकॉज ऑफ नेग्लेक्ट एंड हंग देर इज नो वन टू लुक आफ्टर द बेबी सो आई हैड पिटी ऑन हर आई वॉन्टेड टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर एंड अ बेबी so i thought of sacrificing my own life to save them both please accept me for you for you food today actually yahan for your Aiga so the king was surprised and happy to listen to what kanchanangi had stated he thought how noble is the Kanchan, uh, how noble is this kanchanangi and i have not seen such a noble soul even among human beings

जो डियर है मैंने आज तक नहीं देखा कि अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान भी कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान को दाव पे लगा दे ऐसा तो मैंने कोई इंसान भी नहीं देखा बट ये डियर तो हम इंसानों से भी कहीं ज्यादा अच्छा है दिस इज नॉट अ डियर बट अ गॉड इट विल बी अट टू किल हिम अब इसे लगा कि राजा को लगा कि ये कोई साधारण सा डियर नहीं है ये खुद भगवान है और भगवान को मारना यह बहुत बड़ा पाप है, सिन मतलब कि पाप। who are ऑल्सो डियर टू मी द किंग वॉज ग्रेटली मूवड by द anxiety ऑफ कंचन अंगी ही Kanchan. you have opened my eyes and from today onwards i will not kill any living beings for my food i free every deer and all other living beings according to wishes of the king all the deer were released and allowed to return to forest we should be kind to the animals god resides in all living beings a benevolent person is a true human being god also loves those people Who love their fellow beings, the aim फेलोबींग एम ऑफ लाइफ शुड बी वन गुड एक्ट एवरी का ये सैक्रीफाइस देखकर राजा ने क्या डिसाइड किया राजा ने कंचन अंगी और सारे डियर को आजाद कर दिया तो कंचन अंगी की ये काइंडनेस देखकर राजा के मन में भी काइंडनेस की वैल्यू डेवलप हो गई एंड व्हाट Aim, uh, what should we aim in our life is every day we should do at least one good act. And the same thing is depicted here in this poem. Ya padiye, enjoy kijiye and what should be our plans? That I will be kind to all, I will willingly shower kindness and sort it politely. I will be kind and good-natured man. I will be giving you the... Answers to these questions. These are the true or false type statements, and you will be marking uh, a few lines about the value of benevolence in my commitment column. So, read the chapter, enjoy the story, and study well. Okay, bye bye.